बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एफसीआई के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहां वेयरहाउस में बिना बैनर और पंजीयन के वाहन मिलने पर कलेक्टर ने कार्रवाई भी की। उन्होंने गाड़ियों को जब्त करवाकर थाने पहुंचवाया। कलेक्टर ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के आकस्मिक निरीक्षण से वेयरहाउस में हड़कंप मच गया। उन्होंने वहां चना, गेहूं, चावल, शक्कर की क्वालिटी देखी, साथ ही भंडार पंजी और फायर सिस्टम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अपने समक्ष टोल काटा पर वजन करवा कर भी देखा। प्रदेश के अन्य जिलों में घटिया चावल और अनाज सप्लाई के मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने भंडारित चना, गेहूं, चावल, शक्कर की क्वालिटी चेक कर उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मेरे पास में ऐसी कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है। कोई यदि ऑथेंटिक जानकारी देता है तो मैं तत्काल जांच कराऊंगा, और यदि ऐसा कर रहा हो तो उसको तत्काल एफआईआर भी कराएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक जांच टीम आपने तहसीलदारों को भेजी थी पहले राशन दुकान? मैंने रैंडमली जांच करने के लिए भेजी थी। मैंने सभी नायब तहसीलदारों को मैंने कुछ दुकान दी थी, दो दो या तीन तीन दुकानें। मैंने उसकी डिटेल जाँच कराने के लिए मैंने निर्देश दिए थे। अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जैसी रिपोर्ट आएगी तो यदि गड़बड़ मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आज आपने एफसीआई गोदाम का भी इंस्पेक्शन किया है, और इस तरह की शिकायतें भी मिल रही है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर जो माल उठाव करना है उनको, तो राशन दुकानों तक, उनके द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। और जो ट्रांसपोर्टर का माल है जो, वो कहीं पिकअप वाहन में भेजा जा रहा है 18 टन, तो कहीं पर टैंकर से सप्लाई किया जाता है, ऐसा पॉसिबल है सर व्यवहारिक? मैंने केवल एफसीआई का आज इंस्पेक्शन इसलिए किया था कि माल उसमें जो गेहूँ वगैरह चावल है वो क्वालिटी का है कि नहीं है। अभी जैसे कई जिलों से समस्या जानकारी मिल रही है, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ जिलों में गेहूं और चावल क्वालिटी का सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं उसको देखने गया था। मैं इस जो बिंदु पर आपने मुझे बताया कि कुछ अन्य गाड़ियों का, जो पिकअप गाड़ियाँ या अन्य गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है उस पर सप्लाई हो रहा है, मैं इसकी डिटेल जाँच करवाता हूँ। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अनाजों की क्वालिटी देखी और वाहनों पर कार्रवाई भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज़, बड़वानी।